हम बात करेंगे बिना सर्जरी नाक की बड़ी हुई हड्डी या फिर कई बार कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है उसका इलाज कैसे किया जाए, कैसे हम नाक की बड़ी हुई या टेढ़ी हुई हड्डी को बिना सर्जरी सही व शेप में कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो, 99% लोगों की नाक की हड्डी बड़ी हुई ही होती है, बट उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ 10% ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस परेशानी में शामिल है नाक का बंद होना, बार बार सर्दी जुकाम का होना, बार बार छींकी आना, नाक से पानी बहना, सूजन और कभी कभी सूंघने की क्षमता का भी कम होना आदि परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं नाक की हड्डी बड़ी है, सर्जरी होगी तभी सारी परेशानियां ठीक होगी, आप ठीक होंगे। लेकिन जब हमारे आयुर्वेदा में बड़ी हुई हड्डी को ठीक करने, सारी परेशानियों को दूर करने का 100% इलाज है, तो फिर हम क्यों दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयुर्वेदिक इलाज के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है कि वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं, तीनों सही रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां हमारे शरीर को छू भी नहीं सकती है। और नाक, कान व गले यानी ENT की बीमारियां कफ दोष के बढ़ने से होती है। कफ दोष बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपकी बड़ी हुई हड्डी या टेढ़ी हुई हड्डी बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे अगर आपने आयुर्वेद में बताए 3 उपाय कर लिए तो। आप विश्वास करें, कुछ ही दिनों के प्रयोग से ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी नाक अगर मोटी या टेढ़ी मेढ़ी है वह भी शेप में आ जाएगी। ये 3 उपाय हैं। नंबर 1, आप देसी गाय का शुद्ध घी लें, उसे थोड़ा सा गर्म करें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें और छान लें। छानने के बाद इस घी को हल्का गुनगुना, जैसा आपको सही लगे वैसा 1-2 बूंद डेली नाक में डालें। यकीनन आपके नाक से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय है, डेली 10 से 15 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम से श्वास व कफ से संबंधित रोग जड़ से खत्म होते हैं, नाक सीधी व शार्प होकर शेप में आती है। यही नहीं, दिमाग शांत व तेज होता है, पॉजिटिविटी आती है। 1 महीने भी आपने लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया तो नाक में सूजन, छींकी आना, पानी बहना, नाक बंद होना, जुकाम, खांसी सभी रोग दूर होते हुए महसूस हो जाएंगे। और आपका क्या लग रहा है, आप थोड़ा टाइम निकाल कर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इतना तो कंटिन्यू कर ही सकते हो। वैसे भी आपने सुना ही होगा, योग भगाए रोग। तीसरा उपाय है, आयुर्वेदा के अनुसार हमारा शरीर कुछ इस प्रकार से बना है कि कोई भी रोग होने पर हमारी अंदरूनी आर्मी मीन्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी अपने आप ही उस रोग से लड़ना शुरू कर देती है। यह प्रकृति की दी हुई आर्मी है, हमें सिर्फ इतना करना है कि अच्छी डाइट लेकर इसे नेचुरल रूप से और अधिक बढ़ाना है। तो नाक की हड्डी के बढ़ने पर, सर्दी जुकाम खांसी रहने पर आपको बादाम, खसखस, अखरोट व मगज को बराबर मात्रा में पीस कर पाउडर बनाकर किसी कांच के शीशी या कांच के बर्तन में रख लेना है। डेली रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय के दूध में 2 चम्मच इस पाउडर को गर्म दूध में डालकर पी जाना है। चाहे तो आप 2 चम्मच फांकी ले लें व ऊपर से दूध पी लें। ये प्रयोग 2 महीने कंटिन्यू करना है, फिर 1 महीने का गैप देकर फिर से 2 महीने कर सकते हो। इन 4 पौष्टिक चीजों का पाउडर ना केवल नाक की समस्या से छुटकारा दिलाएगा बल्कि पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर को भरपूर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी कुछ मिल जाएगा। तो आज से ही आप इन 3 उपायों को जरूर करना शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, कोई भी रोग आपको छू भी नहीं पाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बट रोग जड़ से ठीक होता है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको मेरी नॉलेज पसंद आएगी। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी नॉलेज पसंद आए तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।